इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स डे के मौके पर आयोडीन की कमी के हवाले से शऊर उजागर करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने जमा हुई। दुनिया भर में 15 मार्च को इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है और रमा बरस इसका मौजू हेल्दी ईटिंग था। द नेटवर्क फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन और यूनिसेफ के तआवुन से द पिकेट के नाम से होने वाले इवेंट में शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि आयोडीन की कमी को कंट्रोल करने के लिए विफाकी सतह पर कानून साजी की जाए। मारूफ एंकर पर्सन तौसीक हैदर, उमर खालिद बट और दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि आयोडीन की कमी से बच्चे, बच्चियां और खवातीन थायराइड बीमारी समेत दीगर अमराज का शिकार हो सकती हैं और इस हवाले से मुल्क भर बिलखसूस देहात में आगाही फराहम करने की जरूरत है। उनका कहना था कि आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करके कमी पूरी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि खालिस और सेहतमंद ग़िज़ा का हसूल हर इंसान का बुनियादी हक है और हुकूमत को इस बारे में संजीदगी से गौर करना चाहिए। द नेटवर्क फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर नदीम इकबाल ने जोर दिया है कि सहाफी बरादरी पैगाम को फैलाने और कानून साजी में मुआवन साबित हो सकती है। शुरका का कहना था कि तवज्जो न देने के बायस इस वक्त मुल्क के 50 मिलियन अफराद आयोडीन की कमी का शिकार हैं।